इम्प्लीमेंटेशन एंड आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। अब आ जाते हैं एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत सिंपल वे में आप समझ सकते हो कि कोई एल्गोरिथम जब आप डिज़ाइन करते हो और वो जब एग्जीक्यूट होता है तो वो कितना कॉम्प्लेक्स है, बहुत ईजी एल्गोरिथम है या कॉम्प्लेक्स है, तो उस चीज़ को हम एनालिसिस करते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि सपोज एक्स इज एन एल्गोरिथम एंड एन इज द साइज ऑफ एन इनपुट डेटा, तो इसका मतलब होता है हमने एक एक्स एल्गोरिथम बनाया है, उसमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स है, सपोज कर लो 5 या 10 स्टेटमेंट्स है, उसमें हम इनपुट ले रहे हैं, एन इज द साइज ऑफ द इनपुट डेटा, देन द टाइम एंड स्पेस, यानी टाइम और स्पेस, यानी टाइम मतलब एग्जीक्यूशन टाइम और स्पेस मतलब वो मेन मेमोरी में जब रन करता है तो कितना स्पेस लेगा, यूज बाय दिस एल्गोरिथम एक्स आर द टू मेन फैक्टर्स विच डिसाइड द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं एक एल्गोरिथम को एन इनपुट के साथ जब एग्जीक्यूट करता हूँ तो वो कितना एग्जीक्यूशन टाइम लेता है रन करने के लिए और कितना स्पेस उसको लिए रिक्वायर्ड है। सो टाइम फैक्टर इज द इम्पॉर्टेंट, यानी ये टाइम फैक्टर के बेस पर ही कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइन होती है। टाइम इज मेजर्ड बाई काउंटिंग द नंबर ऑफ की ऑपरेशन सच एज कंपेरिजन इन द शॉर्टिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिए आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ जो टाइम यानी एग्जीक्यूशन टाइम होता है वो डिपेंड करता है कि हम कितने बार कंपेरिजन करते हैं, यानी हम इफ स्टेटमेंट का यूज़ कितने बार कर रहे हैं या इफ स्टेटमेंट कितने बार एग्जीक्यूट हो रहा है, रन कर रहा है एक पूरे प्रोग्राम के लिए, यानी पूरे एल्गोरिथम जब हमने बनाया उसके लिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल शॉर्टिंग एल्गोरिथम में इफ स्टेटमेंट कितने बार कंपेयर, यानी इफ स्टेटमेंट का यूज़ हम कंपैरिजन्स के लिए कितने बार कर रहे हैं, वो पूरे एलिमेंट को शॉर्ट करने के लिए 5 बार कंपैरिजन्स हो रहा है या 10 बार हो रहा है। अगर 5 बार हो रहा है तो एग्जीक्यूशन टाइम कम लगेंगे, अगर 10 बार हो रहा है तो एग्जीक्यूशन टाइम 5 बार के एग्जीक्यूशन टाइम से ज़्यादा होगा। तो यानी एक सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाया है कि कंपैरिजन नंबर ऑफ कंपैरिजन इन शॉर्टिंग एल्गोरिथम। तो ये टाइम फैक्टर इज इंपॉर्टेंट। स्पेस फैक्टर, स्पेस फैक्टर मतलब होता है स्पेस इज मेजर्ड बाय काउंटिंग द मैक्सिमम मेमोरी। मैक्सिमम मेमोरी का मतलब होता है रैम मेमोरी की बात कर रहा है ये। सो रैम मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड बाय द एल्गोरिथम, तो जब वो अपलोड होता है एग्जीक्यूट करता है तो उस समय नंबर ऑफ मतलब जो इस मेमोरी स्पेस वो लेता है तो वो जो स्पेस फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है। सो द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम, जैसे मैंने आपको बताया एफ एन से रिप्रेजेंट हो रहा है, एम एन इज द इनपुट, सो गिव द रनिंग लाइक रनिंग टाइम, गिव द रनिंग टाइम एंड ऑल स्टोरेज स्पेस रिक्वायर्ड बाय द एल्गोरिथम इन टर्म्स ऑफ एन एज द साइज ऑफ द इनपुट डेटा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, अब एल्गोरिथम जब हम पढ़ रहे हैं तो इसके स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको भी देख लेते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड बाय द एल्गोरिथम इन इट्स लाइफ साइकिल, तो इसका मतलब होता है पूरे लाइफ साइकिल में, यानी आप प्रोग्राम को रन करने यानी स्टार्ट करने के बाद एंड होने तक आपका एल्गोरिथम के बेस पर जो प्रोग्राम बना हुआ है तो फुली फंक्शनैलिटी में जब वो रन करता है तो टोटल रनिंग में यानी पूरे लाइफ साइकिल में, लाइफ साइकिल का मतलब होता है कभी स्टॉप हो जाता है, कभी एग्जीक्यूशन फिर से स्टार्ट करता है फिर स्टॉप होता है, ऐसे करते हुए पूरे लाइफ साइकिल में वो कितना मेमोरी स्पेस लेता है, अमाउंट ऑफ मेमोरी वो कितना यूज़ करता है, वो हम उसको हम लोग बोलते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। द स्पेस रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिथम इज इक्वल टू द सम ऑफ द फॉलोइंग टू कॉम्पोनेंट्स, ठीक है, तो ये कौन कौन से दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं, ए फिक्स्ड पार्ट दैट इज स्पेस रिक्वायर्ड टू स्टोर द सर्टेन डेटा एंड वेरिएबल दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द प्रॉब्लम्स, तो इसका मतलब है कुछ ऐसे वेरिएबल्स है कुछ ऐसे डेटा है जिसको हम स्टैटिक फॉर्म में स्टोर कर देते हैं, यानी फिक्स पार्टीशन में उसको स्टोर करते हैं, यानी जिसकी रिक्वायरमेंट हमेशा लगती है। फॉर एग्जांपल सिंपल वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट आर यूज्ड इन यूज्ड एंड प्रोग्राम साइज एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें जो होता है पहले से डिवाइड होता है, यानी फिक्स टाइप का आपके पास होता है, और सेकेंड जो हम इंक्लूड करते हैं ए वेरिएबल पार्ट इन ए स्पेस, यानी फिक्स पार्ट और वेरिएबल पार्ट रिक्वायर्ड वैन एंड वेरिएबल हुज साइज डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द प्रॉब्लम, तो इसका मतलब होता है जैसे कि एग्जांपल डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन रिकर्शन स्टैक स्पेस ये सब चीज़ें होता है, तो यानी इन दोनों का जो समेशन होता है इन दोनों का एडिशन क्या कहलाता है हमारा, जो कितने स्पेस रिक्वायर्ड होंगे, एक फिक्स टाइप का होगा और एक डायनेमिक, दोनों को मिला के मैक्सिमम कितने स्पेस रिक्वायर्ड है वो चीज़ें यहाँ पर डिफाइन होती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जैसे मैंने अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझाया था, सेकेंड है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एनी एल्गोरिथम इज द क्या क्या बोल रहा है सी एंड
SPI, where C is the fixed partition. Fixed partition के लिए कितना? Fixed partition मतलब fixed part of जो memory है वो होगा, यानी static memory जिसको बोलते हैं. और SI is the variable part of an algorithm, मतलब जो dynamic memory allocations होता है उसको हम use कर रहे हैं. यानी static allocation and dynamic allocation का जो addition होता है वो चीज़ें हम क्या करते हैं? Include करते हैं जो आपका space complexity है उसमें. जैसे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के एग्जांपल में आप देख सकते हो कि फॉलोइंग इज एन स्पेस सिंपल एग्जांपल दैट ट्राइज टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट. जैसे हमने सम का एक एग्जांपल लिया है, एक प्रोसीजर एल्गोरिथम बनाया है जिसमें ए और बी हमने इनपुट लिया है, स्टार्ट किया है. अब सी की वैल्यू को ए प्लस बी और 10 से हमने ऐड करके स्टोर कर दिया और ये कर दिया. सो हियर आर द थ्री वेरिएबल. आपने तीन वेरिएबल लिया, ए बी एंड सी, वन कांस्टेंट, और आपने कितना लिया? एक कांस्टेंट लिया. तो इसलिए बोला गया है कि फिक्स टाइप ऑफ जो वेरिएबल है जिसमें कांस्टेंट भी आता है, तो इनको हम लोग किया है. और उसके बाद जो होता है, तो इसलिए आप देख सकते हो कि आपके पास जो होता है एक आपका फिक्स वेरिएबल है और थ्री जो होता है आपके डायनेमिक वेरिएबल है जिसको हम यूज़ करते हैं, यानी वो डायनेमिकली चेंज होता है. तो कैसे हो रहा है? एक मतलब ये जो 10 है दैट इज़ फिक्स्ड, ये हो गया फिक्स्ड आपके पास, देख सकते हो. तो ये हो गया फिक्स्ड. और ये जो तीन वेरिएबल है ये डायनेमिक है. डायनेमिक का मतलब होता है ऑन द रन टाइम दैट इज गोइंग टू बी चेंज. ए की वैल्यू को आप दूसरा ले सकते हो, बी की वैल्यू को दूसरा ले सकते हो, और सी इज गोइंग टू बी चेंज आफ्टर एडिशन ऑफ दिस, यानी ये तीनों का एडिशन होने के बाद उसकी सी की वैल्यू. तो इसका मतलब है थ्री डायनेमिक है, यानी इसमें आपका डायनेमिक में आ रहा ए बी एंड सी आ रहा है ये चीज़, और इसमें आपका कॉन्स्टेंट आ रहा, तो दैट इज गोइंग टू बी 10. तो इस तरह से आपने देखा कि टोटल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी चार हो गई. सो नाउ स्पेस डिपेंडेंट ऑन द डेटा टाइप्स ऑफ गिवन वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट टाइम एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड अकॉर्डिंगली, यानी इसको हम ऐसी करके वो इंक्रीज होता है जैसे जैसे हम यूज़ करते हैं. सो दिस इज द ये. अब जैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारे पास देख सकते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड बाय द एल्गोरिथम टू रन द कंप्लीशन. ठीक है, रन टू द कंप्लीशन. द टाइम रिक्वायरमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ न्यूमेरिकल फंक्शन Tn, एंड वेयर Tn कैन बी मेजर्ड एज अ नंबर ऑफ स्टेट प्रोवाइडेड ईच स्टेप्स कंज्यूम कॉन्स्टेंट टाइम. तो इसका मतलब है जितने स्टेप्स हम ले रहे हैं हर एक स्टेप कितना समय लेता है उसका हम लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल एडिशन ऑफ टू n बिट इंटीजर टेक्स n स्टेप. तो इसका मतलब है दो n बिट इंटीजर को ऐड करने के लिए एक एक बिट में एक एक एडिशन में आप कर दो तो टोटल आपको n स्टेप की ज़रूरत है, क्योंकि n पेयर ऑफ बिट्स को आप ऐड कर रहे हो. तो n पेयर ऑफ बिट को ऐड कर रहे हो तो इसका मतलब है n स्टेप आपको रिक्वायर्ड है. कंसिक्वेंटली द टोटल कंप्यूटेशन टाइम इज c इंटू n. तो इसका मतलब है जो आपने C मिला है और वेयर द C इज टाइम टेकन, यानी एक दो बिट को एडिशन करने के लिए जो टाइम लगता है वो यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, और टोटल नंबर ऑफ जो आपके पास 7 बिट. तो इसका मतलब है फॉर एग्जांपल सपोज कर लो ये 2 माइक्रो सेकेंड जो होता है यूज़ करता है, और इसको ऐड करने के लिए हमारे पास 7 बिट है. तो इसका मतलब है 7 × 14 माइक्रो सेकेंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर 1 2 n-bit यानी 7-bit operations को हम ऐड करने के लिए आपको 14 microseconds लगता है. तो इस तरह से आपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी पता चल गया कि कैसे इनलिए हम लोग इसको करते हैं. अब आते हैं कि asymptotic notation. सिम्प्टोटिक नोटेशन मतलब हम कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे नोट करते हैं. फॉलोइंग आर द कॉमनली यूज ओ नोटेशन, फिर सिग्मा नोटेशन एंड थीटा नोटेशन, यानी बिग ओ नोटेशन के फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो इस तरह से दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, कुछ जानकारी मिली है और कुछ एल्गोरिथम के बारे में जानने मिला कि एल्गोरिथम होता क्या है, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया, मैं कंक्लूड ये करना चाहता हूँ कि एल्गोरिथम इंडिपेंडेंट होता है, प्रोग्रामिंग इंडिपेंडेंट होता है, उसको लिखने का तरीका भी इंडिपेंडेंट होता है. आप कोई दो अगर स्टूडेंट है या कोई दो यूज़र है तो वो एल्गोरिथम को डिफरेंट वे में लिख सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो यूनिक होना चाहिए. तो इसका मतलब है एक यूज़र अगर नंबर ऑफ स्टेप अगर 5 यूज़ करता है तो दूसरा यूज़र नंबर ऑफ स्टेप जो होता है 4 में भी कन्वर्ट करके देख सकता है. तो जो मैंने ऑलरेडी एल्गोरिथम में बताया. तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं देखिएगा. तो वंस अगेन दोस्तों, इस वीडियो